बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लैचिंग और होल्डिंग का एक एग्जांपल सॉल्व करके देख लेते हैं कि लैचिंग क्या होती है। तो लैचिंग क्या होती है, फॉर एग्जांपल एक एलईडी है, तो इस एलईडी है और हमारा एक स्विच है, तो क्या होता है कई कई बार हमारा जो स्विच रहता है, हमारा प्रेस स्विच रहता है, जब उसको प्रेस करते हैं तो हमारा एलईडी ऑन हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम उसको छोड़ देते हैं तो हमारा एलईडी क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना, हमें क्या क्या चाहिए कि जब हम स्विच को छोड़ भी प्रेस करके छोड़ भी देते हैं तो एलईडी क्या रहना चाहिए, ऑन रहना चाहिए। तो हम यहाँ और जब हम स्टॉप दबाते तो एलईडी क्या हो जाना चाहिए, ऑफ हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, लैचिंग होता है। तो हम एक्चुअली हम उस एग्जाम्पल को करके देख लेते कि लैचिंग होता क्या है। तो यहाँ पे क्या करने का, एक ये नो कॉइल लेने की और एक एनसी कॉइल मतलब स्टॉप के लिए और एक आउटपुट कॉइल और यहाँ पे एक ब्रांच लेने की, ये ब्रांच ले ली और यहाँ पे फिर से एक ये नो कॉइल, यहाँ पे हम एड्रेस दे देते हैं, इनपुट का एड्रेस स्टार्ट को एड्रेस देते हैं, स्टार्ट स्विच को i:0/0 ये हो गया स्टार्ट स्विच। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट दे देते हैं, START स्टार्ट हो गया, ओके। और ये हमारा स्टॉप स्विच, यहाँ पे एड्रेस कर स्टॉप स्विच को i:0/1 ये हमारा स्टॉप, स्टॉप हो गया हमारा स्टॉप। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आउटपुट को एलईडी को क्या करते हैं, एड्रेस दे देते हैं o:0/0 ये हो गया हमारा एलईडी, ओके। तो हमें क्या करना है, लैच करना, लैच करना मतलब क्या रहता है, उस आउटपुट का एड्रेस ही हम क्या कर देते हैं, इनपुट को नीचे दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने ये गलत हो गया, o:0/0 ये हमारा हो गया आउटपुट का एड्रेस, ये हो गया हमारा लैच। इसको क्या करते, कंपाइल करते, उसको डाउनलोड करके एक्चुअली रन करके देख लेते कंडीशन सेटिस्फाई या नहीं। ये हो गया फ्रॉम रन, देख लीजिए जब मैं इसको मैं स्टार्ट दबाता हूँ तो मैंने छोड़ भी दिया तो भी क्या हो रहा है, एलईडी कंटिन्यूसली ऑन रह रहा है, और जब हम उसको स्टॉप दबाते तो क्या होता है, हमारा एलईडी ऑफ हो जाता है। कई कई बार का क्या होता है, जब हम स्टार्ट को दबा के छोड़ देते तो क्या होता है, हमारा एलईडी बंद हो जाता है। तो कई कई कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, जब हम उस स्विच को प्रेस करके छोड़ भी दे देते तो हमें वो ऑन रहना चाहिए। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, जब हम उसको प्रेस करके छोड़ भी देते हैं तो भी एलईडी ऑन होना चाहिए, हो गई लैचिंग। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, थैंक यू।